किसी का भी डिनर हो या लंच, संपूर्ण खाना तभी माना जाता है जब खाने के बाद कुछ मीठा हो, कुछ मुखवास हो, कुछ पान जैसा, कुछ माउथ फ्रेशनिंग का। तो ये शॉट जरूर बनाइए। यकीन मानिए कई रेस्टोरेंट में आपने इसे टेस्ट किया होगा, लेकिन जब घर में बनाएंगे ये बहुत ही पसंद आएगा। ये है बहुत ही बढ़िया तारीफ के काबिल ड्रिंक, जो छोटे छोटे गिलासों में आप सर्व करते हो और बहुत ही अमेजिंग बनते हैं। एक और बात, इसे आप काफ़ी दिन तक स्टोर करके भी रख सकते हो। कैसे होगा, कैसे बनेगा, ये सारी चीज़ें आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। इसके लिए चाहिए क्या क्या? आप सबको आसान खाना सिखाना मेरा मिशन है। मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वो भी फ्री में। तो यहाँ लिए हमने पान। अब बारी आती है कि पान कौन से लेने चाहिए। पान किसी पान की शॉप पे मिलेंगे या पानों के ढेर जहाँ लगे रहते हैं वहाँ भी मिल जाएगा, और हो सकता है फूल वालों के पास भी ये पान हो। बस आपको कहना ये है कि हमें कैलकटा पान या मगई पान चाहिए। मगई पान बहुत लाइट फ्लेवर होता है और मगई पान हर जगह नहीं मिलता, लेकिन कैलकटा पान जो होता है वो हर जगह मिल जाता है। कैलकटा पान स्ट्रांग भी होता है, लेकिन इतना ज़्यादा तीखा नहीं होता है कि कोई खा ना सके। ये इसको मीठा पान के नाम से भी कहा जाता है। आपके यहाँ ऐसे क्या कहा जाता है मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। तो यहाँ मैंने 6-7 पान ले लिए हैं जिन्हें मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। अब इस पान का जो डंठल होता है उसका डंठल अच्छे से हमें निकालना है। जो भी बड़ा वाला पार्ट, इसका मोटा वाला पार्ट है, वो हमें हटा देना है। पान हमेशा हमारे पूजा में भी काम आता है, भोग में भी काम आता है। पान ऐसी अच्छी चीज़ है जो सभी को पसंद आती है। तो इस तरीके से मैंने मोटा मोटा पार्ट हटा दिया है। अब पान के छोटे छोटे पीस कर रही हूँ। पान से कैसे मुखवास बनाया जाता है मैंने पहले आपको रेसिपी दे रखी है, उसके लिए भी ये बहुत अच्छा वक्त है। इस समय आप बनाएंगे और स्टोर करके आप फ्रिज में रखेंगे, काफ़ी दिनों तक वो चलता है। और उसे भी कैसे बनाया जाता है लंबा टाइम चलाने के लिए, पानों को कैसे सुखाया जाता है, वो सारा मैंने रेसिपी दे रखी है। उसकी लिंक मैं नीचे डाल दूंगी, आप उसे बना सकते हो। सचमुच इतना अच्छा होता है, जो भी खाता है तारीफ ज़रूर करता है। तो सारे पान का मोटा पार्ट जो है हमने हटा दिया, सारे पान को हमने छोटे छोटे पीस में कर दिया। अब लेंगे हम एक मिक्सी का जार। मिक्सी में सबसे पहले मैं डाल रही हूँ पान। अब यहाँ डाल रही हूँ करीब 1 से 1.5 टेबल स्पून सौंफ, और ये 2 टेबल स्पून भर के मैंने डाल दिया नारियल का बुरादा, जिसे डेसिक्रेटेड कोकोनट कहते हैं। 1/2 चम्मच से थोड़ा ज़्यादा मैंने डाल दिया इलायची पाउडर। 4-5 पीस मैं डाल रही हूँ इसमें बर्फ़ के, जिससे इसका कलर बिल्कुल ग्रीन रहे। तो कोशिश यही करनी है हमें, इसमें या तो ठंडा पानी या बर्फ़ के क्यूब्स डाल दीजिए और इसे पीस लीजिए। ये देखिए मैंने इसे थोड़ा ड्राई अभी पीस लिया। अभी इसमें मैं डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून भर के गुलकंद। फिर से मैं इसमें थोड़ी सी बर्फ़ डाल रही हूँ। यहाँ डाल रही हूँ थोड़ा सा ग्रीन कलर। ये गुलकंद डालने के बाद इसका कलर थोड़ा लाइट हो जाता है, तो हमें थोड़ा सा ग्रीन कलर डालना पड़ता है। वैसे आप स्किप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसमें डालेंगे 1/4 कप के आसपास पिसी चीनी, या नॉर्मल चीनी भी डाल सकते हैं। अब इसे एक बार चर्न करने के बाद पूरी पेस्ट को निकाल दीजिए। ये पेस्ट आपकी तैयार है। इसे अगर आप फ्रिज में रखेंगे तो 1 वीक तक यूज़ कीजिए, और अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना के एक आइस ट्रे में जमा लीजिए तो 2 से 3 महीने तक इसे यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद आप उसके क्यूब्स निकाल कर फ्रीजर में रख दीजिए। जब भी आपको बनाना हो एज अ बर्फ के जैसे, आप उसे निकालिए और फटाफट किसी को ड्रिंक बना के पिला दीजिए, बहुत ही बढ़िया रहेगा। अभी फ़िलहाल मैं 6 ग्लास छोटे छोटे बना रही हूँ, क्योंकि ये अक्सर छोटे छोटे ग्लासों में सर्व किया जाता है। वैसे चाहें तो आप बड़े ग्लास में भी सर्व कर सकते हैं। तो उसके लिए मैंने 3 टेबल स्पून भर के मैंने ये पेस्ट ले ली है। अब यहाँ पर मुझे थोड़ी सी चीनी और भी डालनी पड़ेगी, क्योंकि जब हम दूध वगैरह डालेंगे तो ये फीका लगेगा। यहाँ डाल रही हूँ मैं 3/4 कप दूध। अब बारी आती है मेन इंग्रेडिएंट की। यहाँ या तो आप डाल दीजिए 1/2 कप फ्रेश क्रीम, इसके लिए आपको अच्छे रिजल्ट के लिए आइसक्रीम यूज़ कर सकते हैं, या फिर फ्रेश क्रीम यूज़ कर सकते हैं, या फिर व्हिप्ड क्रीम।
मैंने इसमें अभी फ्रेश क्रीम डाल दिया है। सबसे बेस्ट होता है वेनिला आइसक्रीम, पर जो भी अवेलेबल हो आप इंजॉय कर सकते हैं, बना सकते हैं। अब चाहे तो हैंडी से बीट कर लीजिए या मिक्सर के जार में से एक बार चला लीजिए। कई बार हमारे पास कोई चीज़ नहीं होती है तो आपके पास तीनों ऑप्शन है, आप आराम से इसमें कोई भी डाल सकते हैं। अब मैंने छोटू छोटू से वो ग्लास ले लिए हैं, उसमें मैं इसको डाल रही हूँ। अब देखिए कलर भी बिल्कुल परफेक्ट आया है ना, इसलिए मैंने कहा था कि थोड़ा सा कलर हमें डालना पड़ता है। ये बहुत ही बढ़िया शॉट बना है और इसे आप बहुत इंजॉय करेंगे, यकीन मानिए एक बार जरूर ट्राई कीजिए। पान आपकी तरफ, मीठे पान को क्या कहा जाता है, कलकत्ता का पान कहा जाता है या क्या कहा जाता है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एक और बात, आप कहेंगे कि सिर्फ दूध से भी बन सकता है, नहीं वो टेस्ट नहीं आएगा। आपको थोड़ा सा इसका क्रीमी टेक्सचर बनाने के लिए आइसक्रीम या फ्रेश क्रीम या व्हिप्ड क्रीम, तीनों में से एक चीज़ डालनी होगी। अब मैंने ग्लासों में डाल दिया है, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। ऊपर से थोड़ा सजाने के लिए मैं डाल रही हूँ इसके अंदर पिस्ते की कतरन। अगर पिस्ते की कतरन नहीं डालना चाहे तो टूटी फ्रूटी डाल सकते हैं। अब थोड़े से केसर के धागे डाल दीजिए। अब यहाँ पर थोड़ी सी गुलाब की सूखी पत्तियाँ डाल दीजिए, क्योंकि हमने गुलकंद तो डाला है लेकिन यहाँ पर आप डाल देंगे ना तो बहुत ही सुंदर लगेगा। तो इस तरीके से पान तो हम अक्सर खाते हैं, पान में भी अक्सर वही चीज़ें डालते हैं, लेकिन कत्था चूना मैंने यूज़ नहीं किया है। सिर्फ पान की वही चीज़ें तो मैं ले रही हूँ, लेकिन अगर आप इस तरीके से पान शॉट बनाएंगे ना तो आपका मीठे का भी काम हो जाएगा। इसके साथ आपको कोई मीठा सर्व करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से मैंने आपको ये रेसिपी दी है, कैसी लगी मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब ये जो हमारे पास पेस्ट है, जो हमारी बची हुई पेस्ट है, इसे मैं अभी फ्रिज में ही रख रही हूँ और उसे मैं कभी भी बना सकती हूँ 8 दिन के अंदर, और अगर मुझे लॉन्ग टाइम रखना होगा तो मैं इसे फ्रीजर में स्टोर कर सकती हूँ। और ये जो मैंने ग्लास बना के रखे हैं इसे मैं अभी फ्रिज में रख रही हूँ। जब आपके यहाँ कोई मेहमान आने वाले हों आप पहले से ही बना के उसे फ्रिज में रख दीजिए, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। जैसे सुबह भी बना के रखेंगे वो शाम को भी आप सर्व कर सकते हैं। तो आज मसाला किचन ने आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है, एक ही बढ़िया सा पान शॉट बनाया जिससे मीठे का भी हो जाए, मुंह मीठा भी हो जाए और लास्ट में मुखवास भी मिल जाए। जो भी आएगा आपकी तारीफ किए बिना बिल्कुल नहीं जाएगा। तो इस तरीके से वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करने में कोई कंजूसी न कीजिए।